वेलकम टू संजय हॉस्पिटल मैनेजमेंट चैनल। नमस्कार। लॉकडाउन का पालन आप लोग कर रहे हैं, घर पे है, सो आई थिंक बोर हो गए होंगे। सो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, इट विल बी रिलेटेड विद द हाउस कीपिंग, इट विल बी रिलेटेड विद द इंजीनियरिंग। देखिए, बड़ी जितनी प्रॉपर्टी है वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, जो भी सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम होता है इंजीनियरिंग के, जो भी कंप्लेंट्स देना है जैसे देना है, लेकिन अभी भी छोटी प्रॉपर्टीज में मैनुअल वर्क होता है। इसी को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए दो इंजीनियरिंग की चेकलिस्ट रेडी किया है, जो कि आप लोगों को सपोर्ट करेगा। इंजीनियरिंग का कंप्लेन अगर आप लिखा देते हो किसी को ओवर द फोन या बता देते हो ओवर द फोन, आप कभी कभी भूल जाते हो। सो बेटर अगर आप उसको जॉट डाउन करते हो इंजीनियरिंग की कंप्लेन। एक शीट तो जो है जो कि रूम अटेंडेंट और सुपरवाइजर जो भी मेंटेन कर सकता है फ्लोर में, और दूसरा सेट जो है जो डेस्क कोऑर्डिनेटर मेंटेन कर सकता है, जो इंजीनियरिंग को दे सकता है। सो दिस वे द वर्कलोड विल बी रिड्यूस्ड और आपका जो रिजल्ट होगा वो 100% होगा। फर्स्ट चेकलिस्ट इज रिगार्डिंग विद द हाउसकीपिंग सुपरवाइजर एंड द रूम बॉय, जो कि रूम्स में काम करते हैं, जो कि रूम्स की इंस्पेक्शन करते हैं। दे कैन टेक देयर चेकलिस्ट, दे कैन जॉट डाउन जो भी कंप्लेंट्स है इंजीनियरिंग के रिलेटेड, अगर मेजर वर्क हो, माइनर वर्क हो, कुछ भी वर्क हो, तो उसको जॉट डाउन कर सकता है। और एंड ऑफ द शिफ्ट और द लंच टाइम और द टी टाइम दे कैन कम टू द डेस्क एंड डिपॉजिट दैट शीट टू द डेस्क कोऑर्डिनेटर। और डेस्क कोऑर्डिनेटर का दायित्व यहाँ पे आ जाता है कि ही और सी कैन राइट डाउन दोज कंप्लेंट्स इन द वन शीट, जो कि इंजीनियरिंग को हैंड ओवर करना पड़ता है। और जो भी शीट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसका अगर बुकलेट बना दोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। रिगार्डिंग द फ्लोर वन, यू कैन कीप द में अगर रफ पेपर्स अगर आपकी प्रॉपर्टी यूटिलाइज करता है, रफ पेपर में वन साइड लिखा भी रहेगा, वन साइड ब्लैंक रहेगा, तो ब्लैंक साइड में ये चेकलिस्ट आप बना सकते हो और इस चेकलिस्ट को फ्लोर पे यूज कर सकते हो। लेकिन दूसरा जो चेकलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए मेंटेन कर रहा है वो डेस्क, दैट विल बी विद द डेस्क सो दैट वी कैन प्रिंट आउट द बुक्स। उसमें से दो कॉपी रख सकते हो, एक कॉपी इंजीनियरिंग के पास चले जाएगा, कार्बन वाला जो कॉपी है वो आपके पास रह जाएगा, सो आप ट्रैक डाउन कर सकते हो। इससे यह आसानी होगी कि इंजीनियरिंग का कंप्लेन आपका मैनुअल तो रहेगा लेकिन वर्बल में नहीं रहेगा। और इसको मेंटेन करने से यही बेनिफिट है कि इंजीनियरिंग आपको ये नहीं बोल सकता या मेंटेनेंस आपको ये नहीं बोल सकता कि हाउसकीपिंग तरफ से मुझे कंप्लेन नहीं आया। इसमें डॉक्यूमेंटेड रिटर्न प्रूफ रहेगा और ये करना जरूरी है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज के रिव्यूज में आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको मिलता है टीवी रिसेप्शन इज नॉट क्लियर, टेलीफोन वॉज नॉट क्लियर, लाइट वॉज ब्लिंकिंग, इवन योर डब्ल्यू सी सीट कवर वॉज लूज, वॉश बेसिन टैप वॉज लूज, शावर वाटर प्रेशर वॉज नॉट प्रॉपर। ये जो कंप्लेन्स है ये दिस आर ऑल माइन्यूट कंप्लेन्स, ये छोटी मोटी कंप्लेन है जिसको इजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिस टू इंजीनियरिंग शीट विल हेल्प यू अ लॉट। सो गाइज इसको मेंटेन कीजिए, आपका वर्कलोड कम होगा। इवन मेजर अगर रिपेयरिंग कुछ वर्क है इंजीनियरिंग वर्क को भी अगर आप जॉट डाउन करते हो, ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ रखते हो, तो एंड ऑफ द मंथ इट विल बी इजी फॉर यू गाइज टू एनालाइज कि कहाँ पे क्या मेजर इंजीनियरिंग के काम है जो पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बड़ी बजट चाहिए, उसको आप प्लान आउट कर सकते हो। आई विल बी टॉकिंग अबाउट वाई एनालिसिस का जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट कोई आने वाला वीडियो में बनाऊंगा। और गाइज ये इंजीनियरिंग के चेकलिस्ट इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा रिव्यूज, यू कैन गो थ्रू देयर आर एन नंबर ऑफ रिव्यूज, जो कि माइन्यूट छोटी सी कंप्लेन है जिसको हम लोग लाइक 5 मिनट या 2 मिनट में अटेंड कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ सुपरविजन के कारण ये सब छूट जाता है। तो अगर सुपरवाइजर या रूम अटेंडेंट, आई विल प्रीफर विद द स्मॉलर प्रॉपर्टीज प्रीफर विद द रूम अटेंडेंट, उनके पास अगर ये इंजीनियरिंग की चेकलिस्ट रहेगा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द एंटायर मैनेजमेंट, फॉर द एंटायर हाउसकीपिंग सेटअप। I am not talking only about the rooms, I am talking about the public areas also. This checklist can be utilized in the public areas like banquet, club houses, let's talk about the restaurant, coffee shop, swimming pool areas, washroom, changing room, on and on. Jitne bhi areas, public area, lobby areas, jitne bhi aate hai jo public areas mein aate hai, inke liye bahut helpful rahega guys. So, आप लोगों के लिए ही मैंने ये चेकलिस्ट रेडी किया है, इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कॉम्प्लिकेशंस कुछ आती है, आप लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो
तो यू गाइज कैन आस्क मी एनी टाइम इन आवर ग्रुप आई एम हियर फॉर यू गाइज अन्नी. होप आज आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संजय हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट चैनल को. और कुछ भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप में लिखिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए. सो गाइज बाय बाय.